हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सवन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस दोनों हेडफोन की अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ है आपके लिए गिव अवे। अगर आप इस वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं तो क्या पता इस दोनों में से कोई भी एक हेडफोन हो सकता है आपका, क्योंकि 5 लोगों को मैं दूंगा JBL के हेडफोन्स और 5 ऐसे लोग हैं जिनको मैं दूंगा ये शाओमी के हेडफोन। तो कुल मिलाकर 10 लोगों को ये हेडफोन्स मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस हेडफोन्स के प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना सस्ता .com पे 499 का मिल रहा है, लेकिन अगर आप प्रोमो कोड YouTube100 अप्लाई करते हैं तो 100 रुपीज़ का मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी सिर्फ 399 यानी 399 रुपया में कोई भी हेडफोन आप खरीद सकते हैं। दोनों के प्राइस सेम है। खोलते हैं, अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, गिवअवे का रिजल्ट की हम बात कर लेंगे। यार, तो 26 मार्च को इसी मंथ में मैं फेसबुक अपने पेज पे, फेसबुक फैन पेज पे रिजल्ट पोस्ट कर दूंगा, और रात के जो टेक प्राइम आएंगे उसमें भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो गिवअवे का जो रिजल्ट है वो मैं बता दूंगा। गिवअवे के रूल क्या है थोड़ा समझ लीजिए। आपको इस वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर, जहां भी हो इस वीडियोस को लाइक भी करना, नीचे एक कमेंट जरूर करना है। आपको अभी से लेकर 26 मार्च तक मेरे सभी वीडियोस के साथ इंगेजमेंट बना के रखनी है, यानी वीडियोस को देखते रहना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि हमें आपका एक एक्टिविटी भी पता चल जाए। और 26 मार्च को मैं रिजल्ट निकाल के अपने फेसबुक फैन पेज पे वो सभी को पोस्ट कर दूंगा। इसलिए फेसबुक फैन पेज लाइक नहीं किया है तो उसको भी लाइक कर लीजिए। और ये जो 499 का हेडफोन है जो सिर्फ 399 में मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी होगी सिर्फ और सिर्फ 16 मार्च और स्टॉक एंड, जो भी पहले आए वो आपका हो सकता है। दोस्तों, ये मेरे पास है JBL का 450 एक्स्ट्रा बेस स्पीकर और ये है Xiaomi का एक्स्ट्रा बेस स्पीकर। ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ये मैं आपको बता दूं कि ये कंपेटेबल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ना JBL ओरिजिनल है ना मी ओरिजिनल है। बट हम बात कर लेंगे क्वालिटी के। मैंने अभी बिल्कुल इसको खोल के चेक वगैरह किया हूँ, मेरे लैब में सभी टेस्ट किया, मैं खुद से टेस्ट किया हूँ। क्वालिटी वाइज बहुत बुरा नहीं है, यानी एवरेज, यानी जो प्राइस रेंज है, यानी 499 जो एवरेज नॉर्मल प्राइस है, अभी ऑफर है, चलो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, अलग बात है, लेकिन जो 500 के रेंज में जो प्राइस है वो एक बेस्ट प्राइस है। मैं आपको चीज़ बता दूं कि इसके पीछे जो पूरे की पूरे चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसके पीछे के पीछे भी लिखी हुई है। मेरे पास ओरिजिनल सोनी के भी हेडफोन है, जो मैंने आज से 2 साल पहले किया हुआ, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस हेडफोन में आपको मिलता क्या क्या है। सबसे पहले आप इस JBL हेडफोन्स को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पैकिंग किया गया। यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये गोल्ड कोटेड में 3.5 mm का यहाँ पे एक जैक दिया गया हुआ है। इसके बाद हेडफोन की हम बात कर ले तो यार, चलो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एक बिल्कुल एक अच्छा सा स्पंजी सा रबर से दिया हुआ, जो आपके ईयर पे थोड़ा भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, बहुत ईजिली आप उसको हेड में लगा सकते हैं। यहाँ पे भी जो साइजेस वगैरह हैं, आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लोगो JBL का जो है कि काफ़ी एक प्यारा लग रहा है। और हम बात कर लेते हैं वायर की, तो इसकी जो क्वालिटी है एक अच्छी वायर की जैसे क्वालिटी होती है वैसी है। यहाँ पे एक माइक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से प्ले पॉज भी आप कर सकते हैं। इसके साथ वायर भी आपको अच्छे खासे लेंथ में मिल जाते हैं। सेम टू सेम जो क्वालिटी होने वाली है वो है Xiaomi की, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है मेरे लैब में। फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या मिल जाता है। ये जो Xiaomi के जो हेडफोन्स है ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक्स में आ रहे हैं। और इसकी भी जो क्वालिटी, जो JBL की क्वालिटी है, दोनों की क्वालिटी मुझे बिल्कुल सिमिलर लगी। साउंड की क्वालिटी दोनों एक ही है, बस फ़र्क है सिर्फ MI और JBL जो लिखा हुआ इसमें, इसके अलावा मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे भी सेम फंक्शन है, आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हेड में मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ जो इसके लुक्स हैं, जो इसके यूजेस हैं, वो बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से ये टूट जाएगा, बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको बड़े आसानी से आप अपने हेड में इसको माउंट कर सकते हैं। इसके बाद जो वायर है वो भी वहाँ पे सेम है, गोल्ड कोटेड में ही है। वायर की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी है। दोस्तों, ये हो गया आपके Xiaomi और JBL के हेडफोन। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पुराना सोनी का एक हेडफोन हमने बहुत साल पहले लिया था, लगभग 2-3 साल पहले लिया था। इसमें यहाँ पे इसके प्लास्टिक पे भी यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी यहाँ पे दिख रही थी, और JBL के स्पीकर्स की बात कर ली तो यहाँ भी 1 ईयर की वारंटी दिख रही है। लेकिन ये वारंटी वगैरह आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, कंपेटेबल प्रोडक्ट है, ये डुप्लीकेट इसको नहीं बोल सकते, ये इम्पोर्टेड ही है। देखिए, यहाँ पे भी सोनी का मैंने लिया था, इसको अमेजोन पे 2000 का पड़ा था, और इसमें भी बिल्कुल चाइनीज वर्जन में लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए मैं इसको आपको हेडफोन्स को ही दिखा देता हूँ, दोनों का कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो मुझे मिला है ये सोनी का ओरिजिनल हेडफोन मिला आप, क्योंकि ये सोनी के हैं तो इनके स्पंज के जो डिज़ाइन है वो और इनके जो Xiaomi वाले हैं इसमें अलग अलग होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हम बात कर लेते हैं वायर की क्वालिटी की। यार, आप खुद कंपेयर करके देख लो मैं क्या बोलता हूं। यार, वायर की क्वालिटी भी बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वायर की क्वालिटी में। चलिए हम बात कर लेते हैं जैक की। यार, ये जैक से तो बेटर मुझे यही लग रहा है, यहाँ पे ये 3 पिन वाले लग रहे हैं
और यहाँ पे ये 4 पिन वाले लग रहे हैं, तो यही 4 पिन वाला ही ज़्यादा फंक्शनेबल होता है क्योंकि इसमें माइक होता है। यहाँ पे आपको इसमें माइक नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे आपको किसी भी तरह का देख लीजिए पे माइक आपको नहीं मिला, क्योंकि इसमें माइक मिल रहा है इसलिए यहाँ पे ये 4 पिन वाले आपको यहाँ पे मिले हैं। दोस्तों हम प्राइस की बात कर ले तो यार ये अमेजोन पे लगभग 2000 का मिलता है यार, मुझे याद है 2 साल पहले भी खरीदा था और अभी भी इसका सेम प्राइस है, लगभग ऑफर में कम ज़्यादा होते रहते हैं यार। लेकिन यार ये देखो 500 रुपये में सिर्फ इतना सस्ता .com पे मिल रहा है, और हम साउंड क्वालिटी की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हाई क्वालिटी के साउंड आपको मिलने के नज़र आते हैं और इस दोनों में एकदम घटिया साउंड नज़र आते हैं। आप एक बार यूज़ करके देखिए, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब इस क्वालिटी अच्छी का मतलब कि इस प्राइस रेंज में इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस ओरिजिनल जो सोनी के जो हेडफोन से इसका कोई कंपेयर है JBL का, लेकिन जो साउंड की क्वालिटी प्राइस रेंज में ये इतनी बुरी नहीं है। आप एक बार यूज़ करेंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम लुक आपको देता है और कहीं से आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर अमेजोन का सेलर इस JBL हेडफोन्स को ओरिजिनल बोल के अगर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर बेच दे तो क्या फ़र्क पड़ता आपको? तो अगर आप पहली बार हेडफोन यूज़ कर रहे हैं इस टाइप के तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्वालिटी है कैसी है, क्योंकि साउंड की क्वालिटी भी बहुत अंतर नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस अब एक बार इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ओरिजिनल आप खरीदना चाहें तो आप उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।